भारतीय जनता पार्टी सीए को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित शरणार्थी इस देश में आए हैं। नौजवानों को रोजगार का मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। यह स्वागत योग कदम है और पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। इसीलिए हेडलाइन बदलने के लिए कहीं ना कहीं सीए को लाने की बात है। 1914 जो लागू हुआ इस देश में वो स्वागत योग कदम है। इससे राजनीतिक लाभ लेने की है और एजेंडा सेट करने की है। सीएए 1914 जो लागू हुआ इस देश में वो स्वागत योग कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये वैसे लोगों के प्रति संवेदना है, वैसे लोगों के प्रति सहानुभूति है जो धार्मिक रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित शरणार्थी इस देश में आए हैं और उनको दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी नारकीय जिंदगी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको इस देश के नागरिक बनाने के लिए जो यह कानून पास किया है, यह स्वागत योग कदम है। ऐसे सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन और हिंदुओं के लिए जो बनाया है, यह स्वागत योग कदम है और पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सीए को अपने पिटारे से लेकर के बाहर आई है हेडलाइन बदलने के लिए। जब नौजवान इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था, आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। नौजवानों को रोजगार का मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है। महंगाई के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज SBI से जो आंकड़े मांगे हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि अब हम जनता के बीच में पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। तो इसीलिए हेडलाइन बदलने के लिए कहीं ना कहीं सीए को लाने की बात की है और सीए की अधिसूचना जारी की है। 4.5 वर्ष पहले सीए को दोनों सदनों से पारित कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी की नियति कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक लाभ लेने की है और एजेंडा सेट करने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनका भरम और धर्म की राजनीति, उनका जो एजेंडा की राजनीति है, वो अब देश की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश की ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।